फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और गीता सिंह रेसिपीज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आई हूँ मैं एक अचार की रेसिपी, तो आओ देखते हैं ये अचार कैसे बनेगा और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का अचार। कच्चे आम का अचार, वो भी पारंपरिक विधि से, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। तो सबसे पहले मैंने ये कच्चे आम को धो के इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। आजकल ये मार्केट में भी बड़े आराम से कट करके मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 1 किलो कच्चे आम, तो जो इस तरह से कट किया और गुठलियाँ इस तरह से अलग कर दी हैं। तो अब इनके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पतीला और इस पतीले में डाल देंगे हम ये सारे कच्चे आम जो हमने कट करके रखे हैं। तो कट करने से पहले ही अगर आप इसे धो लेंगे और इसे अच्छे से पोंछ देंगे तो इसमें पानी नहीं होगा। तो इस तरह से सारा मैंने डाल दिया पतीले के अंदर ये कच्चे आम को, अमिया को। और अब इस पर डालेंगे हम नमक। तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी, और दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि ये जो अचार है जिसे आज मैं बना रही हूँ, बिल्कुल अपनी दादी नानी की तरह इस अचार को आप 2-3 साल तक भी बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आप जैसा मैं बताती हूँ उस तरह से इसे बनाइए। तो ये मैंने नमक हल्दी डालकर इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इस पर हम कोई भी कपड़ा लेंगे और उसे बांध देंगे, चाहे तो आपके पास कॉटन का कपड़ा हो या फिर आपके किचन का टॉवल हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस पर बांध दें और इसके ऊपर एक प्लेट रख कर इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही कहीं साइड में रख दें। तो 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी अमिया में क्या अंतर चेंज आया है। तो ये देखो 2 घंटे हो चुके हैं। अब उसके बाद हम इस कपड़े को हटाएंगे इस पतीले से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये वही अमिया है जिस पे नमक और हल्दी लगा के छोड़ी थी, उसने पानी छोड़ दिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरह से इन सारे कच्चे आमों को बिछा देंगे, क्योंकि अब इसे हमें सुखाना है जिसमें इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे। तो हमें इसे ड्राई करने के लिए इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें या दुपट्टा ले लें, उसमें सुखा दें। तो इन्हें सूखने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो जितने मैं सारे अपनी नमिया को डालती हूँ कपड़े पे सुखाने के लिए, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो जो न्यू जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबे हुए बेल के आइकॉन को भी दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखो सारे आम मैंने इस तरह से कपड़े पे निकाल दिए हैं और आपने देखा ना पतीले में इस तरह से आमिया ने पानी छोड़ दिया है। तो अभी ये जो आम का पानी बचा हुआ है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं कई तरह में। तो ये जो हमारे आम हैं, इन्हें अब हम सुखा देते हैं धूप में। तो जितने हमारे आम सूखते हैं इतने हम और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो उसके बाद डालेंगे हम आज बिल्कुल नानी दादी की तरह अपने कच्चे आम आमिया का अचार, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं 2-3 साल, जब तक आप चाहें वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये लिया मैंने एक पैन और इस पैन में डाली है मैंने 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सौंफ और ये है मेरे पास 1 चम्मच भर के कलौंजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं जो आम का अचार, पहले उसके लिए हम एक पैन में सारे मसालों को इस तरह से डाल लेंगे। और ये है मेथी दाना और इन सबको डाल के अच्छे से हम भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ गर्म करना है, जिससे इसमें थोड़ी बहुत भी सीलन होगी वो निकल जाएगी और इन मसालों को फिर हम आराम से पीस सकेंगे। तो ये देखो हमारे मसाले हल्के से गर्म हो गए हैं, तो आपस में सिक चुके हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई भी सीलन नहीं है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इन मसालों को ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, जितने मसाले हो रहे हैं ठंडे, इतने हम अमिया को चेक कर लेते हैं जिनको हमने रखा है धूप में। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारी अमिया भी अच्छे से गई हैं सूख, अब ये बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसका हम अचार डालने के लिए तैयार हैं। तो ये जो हमारे सौंफ और राई और मेथी दाना कलौंजी थे, इनको मैंने डाल दिया जार में और अभी इसी पैन में हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए।
ये गर्म होने से क्या होगा, जो हमारा अचार है वो लंबे टाइम के लिए सेफ़ रहेगा, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल होता है हर चीज़ में, तो मिलावट होती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तेल को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। और हमें इसे तब तक गर्म करना है कि इसमें अच्छे से धुआं छूटने लगे। तो जितने हमारा ऑयल हो रहा है गर्म, उतने हम मसालों को पीस लेते हैं और तैयारियां कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म होने लगा है और इसमें अच्छे से धुआँ भी निकलने लगा है। तो फ्रेंड्स, अब गैस को कर देंगे अब हम बंद और इस ऑयल को होने देंगे ठंडा। ये है सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों में सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से मैंने सरसों के तेल को गर्म किया है कि इसमें धुआं निकल गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने एक पतीला और इस पतीले में हम डाल देंगे सारी वही कच्ची अमियां जिनको हमने धूप में सुखाया था। तो ये डाल दिया मैंने सारी अमियां और अब इसमें मिक्स करेंगे हम मसाले। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल दादी नानी की तरह अचार। तो ये वही मसाले हैं जिनको मैंने भूना और भूनने के बाद इस तरह दरदरा पीस लिया है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से अचार का टेस्ट और रंग बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ये चटपटा भी लगेगा। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा और नमक, क्योंकि जो नमक हमने डाला था वो पानी के साथ निकल गया है और कहीं कम ना पड़े, इसलिए आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो होने लगा है ठंडा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है हींग, क्योंकि हींग डालने से अचार के अंदर डाइजेस्टिंग का सिस्टम बढ़ जाता है, जिससे हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। और ये है मेरे पास विनेगर सिरका। तो आधा कप डाल देंगे हम सिरका। सिरका डालने से कभी भी अचार में फंगस नहीं लगती है और वो लंबे समय के लिए तैयार हो जाता है अचार। और ये डाल दिया हमने इसमें तेल। तेल को पहले आप टच करके देख लें कि वो गर्म ना हो, क्योंकि ठंडा होने पर ही हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे जिसको हमने बिल्कुल गर्म किया था। और अब तेल डालने के बाद इन सारे अमिया को, मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारी माँ, हमारी दादी और हमारी नानी का तरीका है जो बरसों से चला आया है। इसी तरह से हमारी दादी, नानी, मम्माएँ अचार बनाती रही हैं और ये अचार सालों साल कभी ख़राब नहीं होता और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और ये हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक रखता है। जहाँ आप खाते हैं दो रोटी और अचार के साथ ही आप खा जाएंगे चार रोटी, विश्वास ना है तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, देखो ये आपसे बात की और हमारा अचार में सारे मसाले अच्छे से हो गए हैं मिक्स। तो अब इसे हम डाल देंगे किसी कांच की बोतल में या अमृतबान में। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इसे किसी भी कांच की बोतल में डाल रहे हो तो उसे धोकर अच्छे से धूप में सुखा लें, जिससे कि उसमें बिल्कुल भी कोई जम्स ना हो। और ये उसकी जो लीड होती है, कवर होता है, वो हमेशा प्लास्टिक का हो या कांच का हो, कभी भी लोहे का यूज़ नहीं करना। तो ये मैंने सारा अचार डाल दिया इस कांच की बोतल में और अब इसे हम फ्रेंड्स रखेंगे 2-3 दिन के लिए धूप में। उसके बाद हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल है तैयार। तो आप लोगों को मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अब ये कच्ची अमिया का अचार बन के हो गया बिल्कुल तैयार धूप में रखने के लिए। और धूप में रखने के बाद आप इसमें और भी ऑयल इस तरह गरम करके ठंडा करने के बाद डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयल डिप वाला पसंद हो तो। रेसिपी सेम ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। चाहे तो आप बिना तेल के ऐसे ही खा सकते हैं या फिर 2 दिन बाद देखो इस तरह का इसका रंग हुआ है। और इसमें मैंने ये तेल डाल देती हूँ गरम करके और उसे कुछ दिनों के लिए और रख देती हूँ, जिससे कि आपको अचार बिल्कुल मार्केट वाला लगेगा। तो दादी माँ के प्यार के साथ मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। और एक बात, कभी भी आप चम्मच से निकालें तो ये बात ध्यान रखें कि आपकी जो चम्मच है वो गीली नहीं होनी चाहिए, पानी लगने से भी अचार ख़राब हो जाता है। और एक बात,
समय समय पर अपने अचार को धूप लगाते रहना चाहिए, तभी वो लंबे समय के लिए ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा ऑयल और डाल देती हूँ। तो हमारा तो कच्चे आम का अचार बन के हो गया खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या देख रहे हैं, जाओ अपने किचन में अमियाँ लाओ और दादी नानी के अचार की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फॉलो करो। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंजॉय करें गीता सिंह रेसिपीज़। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अब दादी माँ की, नानी माँ की रेसिपी आपके किचन में।